नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी पर। दोस्तों, काफ़ी लोग दोस्तों हमें कमेंट कर रहे थे कि कक्षा आठवीं के मॉडल पर बताइए 2020 के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। दोस्तों, यहाँ पे आपको इंग्लिश का मॉडल पर बताने वाला हूँ कक्षा आठवीं का। तो इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ उनमें से दोस्तों आपके 15 से 16 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखिए, जो मैथमेटिक्स का वीडियो बनाया था मैंने, उसमें दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन दीजिए। तो दोस्तों, मैं सॉल्यूशन आपको जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं आपको बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये पेपर है आपका, ये क्लास 8 का है, इंग्लिश का पेपर। देखिए, 2.5 घंटे का पेपर है और आपका 80 मार्क्स का पेपर रहता है। अगर आप यहाँ पे 8 बोर्ड में A+ ग्रेड बनाना चाहते हैं तो दोस्तों उस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। तो दोस्तों देखिएगा, ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शन से आपके पहले आपको इंग्लिश के पेपर में ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखने हैं, फिर आपको ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, फिर देखिए यहाँ पे राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन बुक। ठीक है, जो बुक दे रही है आपकी आंसर बुक, उसमें ही आपको आंसर लिखने हैं। देखिएगा, ये आपका पेपर है, ये पार्ट 1 का। ठीक है, पार्ट 1 है, करेक्ट द, देखिए चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं जो भी फॉलोइंग आपको दे रखे हैं क्वेश्चंस में। अब देखिएगा, जो पर्सन दे रखा है, द वुमेन रिप्लाइड बोल्डली। ठीक है, हियर रिप्लाइड मीन्स, यहाँ पे आपको रिप्लाइड का मतलब क्या है? तो देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, वुमेन ने रिप्लाई किया। ठीक है, तो रिप्लाई का मतलब क्या है? ये मैंने दिया क्वेश्चन, यानी आंसर, यानी कि ये प्रश्न पूछा, आंसर। ठीक है, आंसर का मतलब हो जाएगा उत्तर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला जो प्रश्न है, देखिए, डिड यू नो मोहित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या तुम जानते हो, हु यहाँ पे आ जाएगा, हु क्या, यहाँ पे देखिए हु क्यों आया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका मोहित है, मोहित के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मोहित क्या है, यहाँ पे एक आपका पर्सन है, यहाँ पे हम कह सकते हैं एक बॉय है, यानी कि मोहित के लिए क्या लगाता है, पर्सन के लिए आता है हु। ठीक है, यहाँ पे हु का प्रयोग किया जाएगा। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर से कौन सा यहाँ पे रिलेटेड नहीं है? तो देखिए, इनपुट आउटपुट इंजन या मेमोरी, इंजन। ठीक है, ये तो इंजन तो गाड़ियों में होता है, इस कारण से यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, आई कैप्ट माई बुक्स। तो इस प्रकार से दोस्तों, मैं अभी आपको पूरा सॉल्यूशन तो आपको यहाँ पे करूँगा, तो बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। इस कारण से मैं आपको जो प्रश्न है वो आपको बता देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए पूरा, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको यहाँ पे एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि इसका सॉल्यूशन का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी आती है उसको दबा लीजिएगा, जिससे दोस्तों सॉल्यूशन का जैसे ही वीडियो बनता है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द अंडरलाइन लाइन लेटर हैज़ अ डिफरेंट साउंड, डिफरेंट बनाना है, स्नेक मेक टेबल हार्ड। तो हार्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं। तो पूरा प्रश्न आप सभी के लिए, पहले आपके यहाँ पे देखिए 7 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आपको दे रखे हैं। दोस्तों, अगर आपको और भी कक्षा 8वीं के वर्ड पेपर चाहिए तो आप विजिट कीजिए rklet.in को। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या फिर दोस्तों यहाँ पे आप गूगल पे डायरेक्ट आपके यहाँ टाइप कर सकते हैं rklet। ठीक है, तो rklet आप टाइप करोगे तो दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा, फिर यहाँ पे आप क्लास 8 का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो दोस्तों यहाँ पे जाकर आप आराम से कक्षा 8वीं के पूरे मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का आप यहाँ से आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी डाउनलोड कीजिए मॉडल पेपर्स। तो अगला हमारा देखिएगा हुट्टू, यहाँ पे प्रश्न आप आराम से देख सकते हैं। फिर अगला जो हमारा पार्ट 2 का है, पार्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें देखिएगा, एक ये क्वेश्चन 8 है, मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग फुल। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐड करना है फुल। तो देखिएगा, देखिए काइंड फुल, देखिए किस में फुल करना है, किस में नेस करना है। तो काइंड के आगे आ जाएगा नेस, और वंडर के आगे आ जाएगा वंडरफुल। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट है, 9th क्वेश्चन है, राइट पॉपुलर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, काउ के आपने ये प्लूरल्स आपको लिखना है, सॉरी दोस्तों ये प्लूरल है यहाँ पे, तो ये आपको ये इसके प्लूरल्स बना रहे हैं, तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, फिर जो अगला प्रश्न है, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स,
अब मिसिंग करना है तो पेरेंट्स ए आ जाएगा, पेरेंट्स उठेगा, फिर एजुकेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई, देखिए आपको आइडेंटिफाई क्वेश्चन करना है उसमें, तो क्या क्या इसमें रॉन्ग है। देखिए द भिक्षु वाज साइलेंट, देखिए साइलेंट के यहाँ पे गलत है, फॉर ए लॉन्ग, लॉन्ग होगा एल ओ एन जी होगा, ठीक है, लॉन्ग हो जाएगा। दे शुड, देखिए वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स सो दैट, इसमें आ जाएगा सो दैट, ठीक है, सो दैट लग जाएगा, ठीक है, यानी कि एंड नहीं लगेगा, सो डेट आपका लग जाएगा। अगला जो पंक्चुएशन मार्क्स आपको करने हैं इसमें, फिर अरेंज करना आपको 14 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें अरेंज करना, ठीक है, कौन कौन से आपको वर्ड्स अरेंज करने हैं। देखिए ट्रेवलिंग बाई बस, तो देखिए आई लाइक ट्रेवलिंग बाई बस, ठीक है, इस हो जाएगा। फिर देखिएगा इसमें का आई लाइक ट्रेवलिंग बाई बस। अगला है आई हैव लॉस्ट माई बुक, ठीक है, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई हैव लॉस्ट माई बुक, ठीक है, इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपको ज्वाइन करना है, और देखिए आइदर या फिर और आपको ज्वाइन करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें सॉल्यूशन करा दूंगा। और ये दो दो नंबर का आपका सवाल है, तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, आपको वर्ब भरनी नहीं सॉरी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसमें। देखिए डू नॉट ओवरटेक एनी व्हीकल फ्रॉम इट्स, कहाँ से, मिडल से, लेफ्ट से, चूज से, जिसको इस क्वेश्चन का आंसर आता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर अगला पार्ट थर्ड आप देख सकते हैं, ये आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको पैसेज पढ़ना है केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उसका आंसर आपको बताना है, क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। जैसे कि पैसेज पढ़ लिया, संगीता वाजे स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, सी लिव्ड हर, ठीक है, ये प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, वेयर डिड संगीता लिव, संगीता कहाँ लिव, कहाँ रहती थी, तो देखिएगा सी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन द विलेज दाबीज, ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आराम से ढूंढ सकते हैं। देखिए वाई डिड हर क्लासमेट नेगलेक्ट हर, तो यहाँ पे देखिएगा आप आराम से देख सकते हैं, देखिए हर क्लासमेट्स नेगलेक्टेड हर बिकॉज सी हैव लॉस्ट, सी हैड लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स इन द रोड एक्सीडेंट, ठीक है, इस प्रकार से आपको यानी कि उसने जो रोड एक्सीडेंट अपना पैर गंवा दिया था। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपको आंसर इसमें ढूंढना है। अगला प्रश्न आपका 18 है, इसमें भी आपको आंसर देना है। फिर ये 18 का बी क्या है, राइट द ऑपोजिट लिखना है, इसका ऑपोजिट करना है और कौन सी शब्द दोनों का ऑपोजिट आपको लिखना है। फिर अगला बी पार्ट है इसमें, तो रीड द फॉलोइंग, इसमें पैसेज पढ़ना है और उसके आंसर आपको देने हैं। ये 5 नंबर का पैसेज है, तो पूरा पैसेज आप आराम से पढ़ सकते हैं और इसके पूरे आपका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो पूरे पर आप देख लीजिए दोस्तों, और इसका पेपर डाउनलोड के लिए आप विजिट कीजिए दोस्तों आर केलर, ठीक है, गूगल पे सर्च कीजिए आर केलर, ये आपको मिल जाएगा, इसका पूरा मॉडल पेपर आपको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका किसी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन में डाउट है तो जाइए 800-400 नंबर पर, उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक कीजिए, क्रॉप करके सेंड कर दीजिए, तुरंत ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको 10 सेकेंड के अंदर मिल जाएगा। डाउनलोड के ऐप के माध्यम से भी आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जेई मेंस और एडवांस की तरफ से कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाइए अभी डाउनलोड कीजिए इस ऐप को। तो यहाँ तक पूरा पेपर आप आराम से देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, पैसेज पढ़ना है, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा राइट द वन वर्ड लिखना आपको, देखिए ए पर्सन हु कट्स वुड्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है, तो देखिएगा एक व्यक्ति जो आपका देखिए जो लकड़ियाँ काटता है जंगल में, तो वुड कटर हो जाएगा आंसर, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। आपको रीअरेंज करना है इसमें, जो भी 5 सेंटेंस दे रखे हैं इन सभी को आपको रीअरेंज किस प्रकार से करेंगे, तो आपको रीअरेंज आसान से कर लेना है, सम वाला, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं कि पहले कौन सा आएगा, तो देखिए वन से हेटर स्प्रेड इन, ये आपका हो जाएगा। फिर ये देखिए पार्ट 4 आप आराम से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए इमेजिन दैट यू आर ए रुचि फ्रॉम, देखिए डूंगरपुर से आप रुचि हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आराम से कर सकते हैं। फिर देखिए ये 2400 है, इसमें आप आराम से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, द कंडीशन ऑफ क्लीननेस इन द गुड इट इज नॉट गुड इन योर लोकेलिटी, ठीक है, आपकी जो लोकेलिटी में मतलब जो यानी कि जो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपकी स्वच्छता है वो लोकेलिटी आपकी जो आपके मोहल्ले में जो स्वच्छता नहीं है, तो इस कारण से क्या करना है, सम पीपल थ्रो गार्बेज, ठीक है,
कुछ लोग हैं जो कचरा फेंकते हैं जो कि पब्लिक प्लेस पे, राइट लेटर टू डिस्ट्रिक्ट, आपको एक लेटर लिखना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, उसमें क्या क्या मेंशन करना है आप देख सकते हैं, डर्ट, इस प्रकार से एक परफॉर्म आप देख सकते हैं, लेटर का परफॉर्म आपको बनाना है, बनाया हुआ है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है आप ऐसे आप कर सकते हैं सर या मैडम, फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें जो कंडीशन है वो आप लिख सकते हैं, और इसमें क्या क्या योर फेथफुली आपके नाम लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पेपर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको सोच समझ से अच्छे से लिखना है जिससे आपके 10 नंबर पूरे आ जाएं। अगला आपका प्रश्न देख रहे हैं, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इसके और में आप कर सकते हैं, चॉइस वाइज क्वेश्चन आपके लिए हैं। यू आर सुरेश, यू लिव इन ए हॉस्टल, राइट लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज़। आप सुरेश हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, अपने पिता को लेटर लिखना है स्टडी के बारे में। यू मे टे, आप इनका सहायता ले सकते हैं, ठीक है। आप कब उठते हो, आप कितने घंटे स्टडी करते हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, इस बारे में लिख सकते हैं। फिर जो लास्ट मंथ आप गए कहाँ पे पिकनिक विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ आप पिकनिक पे गए, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट, इस पे पैराग्राफ लिखना है, आपको डिस्क्राइब करना कि आपने किस प्रकार से इसको एंजॉय किया। यू मे यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये पर्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेदर हो गया फाइन हो गया, वेदर फाइन था, फ्रेंड्स एम डिसाइड, ठीक है, पिकनिक, बाईसाइकिल, सब कुछ जो वर्ड दे रखे इसको आप आराम से इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर ये नहीं करना चाहते हैं 10 नंबर का है तो आप और अथवा में आपको चॉइस वाइज क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आप ये कर सकते हैं कि राइट ए स्टोरी इन अबाउट, यहाँ पे आपको स्टोरी लिखनी है कि अबाउट यहाँ पे 100 वर्ड्स विद द फॉलोइंग्स हेल्प ऑफ, ठीक है, इसके आप इस पर लिख सकते हैं। एन एलिफेंट वाली स्टोरी आपको याद होगी तो वह आप आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों पूरा पेपर आपको क्लास 8 का मैंने बता दिया है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं इसकी सॉल्यूशन अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं उनके साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।